पवन जी, 4 महीने होने वाले हैं किसानों को बैठो सड़क पर, कितनी दिक्कत आ रही है भाई। मेरी छाती माता दादा गजेंद्र सेठ, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा हेरवा गुरु बहुत घना, तेरी पूरी पार्टी का भी। यही क्वेश्चन करते करते और उत्तर देते देते 4 महीने हो गए, कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढ गया मोदी पता ही नहीं पता, कृषि मंत्री को पता लेखा जिसका वे ये जानते हो, कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं उसका जवाब दूं। मैं भी तो इतना फिर से कोरोना की जो सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लॉकडाउन लग जाएगा फिर से? लॉकडाउन हमने पहले नहीं मानना था, फिर नहीं मानने गए, हमने पहले नहीं मानना था। मैं पैदल ऋषिकेश लो 17 चक्कर लगाए और नया जनता मानने की लॉकडाउन, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें धंधा खत्म हो जाएगा जनता का, लॉकडाउन मानने की नहीं, भुक्की को मर गया जनता खावेगी, जो भोग लगेगा तो कुछ ना कुछ करेगी। एक किसान तो नहीं मानता लॉकडाउन को? हाँ, किसान बेचारा कैसे मान जाएगा, इन पे जी पैसा नहीं है कुछ, जी पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ करा करूँ, ये पैसे को जमा करूँ बैठे वहाँ, कोई ठीक मैं सारे वोट लेकर राजा बन गए, मंत्री बन गए, पैसा उनके पास काफी है, या जनता उन्हीं का पैसा घोषणा शुरू करेगी, फिर इधर आओ जब काम चलेगा। शहीद दिवस से 4 शब्द क्या कहोगे जनता के? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजगुरु गोपालाचार्य ने, इस देश को महात्मा गांधी ने अपने प्रेरणा की आहुति देकर देश की मातृभूमि को अंग्रेजी सरकार से आजाद कराया था, ठीक वही आज पैमाना इस भारतीय किसान यूनियन को नजर आ रहा, भारत के किसान को नजर आ रहा, इस हिंदुस्तान का, और वही पैमाना हमें तैयार भी करना पड़ेगा। शांति से घी नहीं निकलेगा तो हम शांति भी करने जानते हैं। टेढ़ी उंगली कैसे करोगे, क्या है वो तरीका? अगर ऐसा बात नहीं कोई मानता तो फिर क्या हो, बंद मुट्ठी, थप्पड़, ये सारी चीजें हो। आप तो हम सब में एक्सपर्ट है। आप तो लगा रहे घोड़ा लाठी सरकार को? लगा दे हम, क्यों नहीं लगाए अब तक? अरे वो नू कह रहे अकबा, और दिन रुक जाओ और नरमाई कर लो और कर लो, मजा बकश दो, रोज तो हाथ जोड़े, कभी गुरुद्वारे में हाथ जोड़े, कभी वहाँ बिहार बंगाल में हाथ जोड़ रहा, हाथ जोड़ता फिर लग रहा, पर आ लिया तो सड़क पे, संसद में सड़क पे तो आ लिया। योगी जी के 4 साल हो गए पूरे सरकार को, मोदी लेगा 4 साल ही, कोई और लेगा, कह रहे खुशहाल है हमारे प्रदेश की जनता, बेमिसाल रहे जी, वो खुद खुशहाल है, उसे सब जनता खुशहाल दिख है, अगर उसे दुख होता तो जी उसे दुख का ज्ञान होता, इन्हें कोई दुख नहीं है ना, झूठे हैं लोग। वो तरीका ये कर दो, सही सब बात किसान की मान लो, वो तरीका ये अपना दो तो हम खुश रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का कई बार आंसू निकले, आंसू तो लिगड़े झूठू सच्चू सी मेरे बारे में नहीं कदिरो, या प्रधानमंत्री अखबार पवन हिंदुस्तानी रोज भोग भोग के इतना दुखी हो गया, छाती में दर्द हो गया, तो मोदी कदी मेरे बारे में नहीं दुखी मान्या, मैं तो देखे नहीं मानता, क्यों? वो अब मैं आपको किताब भी दिखाई दी जो इतना ना कोई पीसा किताब में ना कुछ, अटल पेंशन योजना अपने नाम से किताब बनवाई, किताब कुल 10 रुपये की ले रहे 100-100 रुपये, तो पैसा कमा लिया कंपनियों ने, तो कोई सुख नहीं देखा, अब वे सुखी हैं सब वोट लेकर। लेकिन सरकार का नारा अच्छे दिन लाएंगे देशवासियों के, और वो कुछ नहीं अच्छे दिन लाएंगे, ला दो अच्छे दिन, ला दो वे, ला दो कोई और, ला दो ला दो, और इन पर नहीं आते तो हम लावेंगे। अच्छा, किसान आंदोलन चल रहा है, इसका कुछ असर पड़ेगा चुनावों पे, जो 5 राज्यों में चुनाव है? चुनाव पर असर भाई चल रहा, चुनाव जहाँ मर्जी चल रहा, जनता की आत्मा जहाँ वोट देगी तो वहाँ वोट देगा, जनता जहाँ चाहगी अंतरात्मा का वोट, तो किसी गुलामियत का वोट तो होता नहीं। नहीं, आप भी तो जा रहे हैं ना किसानों के लिए? मैं तो हाँ किसानों को जगाने के लिए गया, मरो मैं पंचायत कर का किसानों को सही दिशा दी, सही ज्ञान दिया, बिल्कुल सही दिया, किसान वहाँ का खुशहाल रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर रहते थे, अब आप पंचायतों में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, आज तक अगर कोई नु कहेगा विदेश में चल अमरीम का, चल वहाँ भी चलूँगा। तो क्या लग रहा है, जो बीजेपी के जो नेता है वो गाँव में जा रहे हैं, उनका ये व्यापार छोड़ दो इस किसान पर करना, इस किसान की फसल का और इस किसान का अन्नदाता का व्यापार छोड़ दो, ये इसका हक किसान का, किसान को ही दे दो। अब बिजनौर में बीजेपी के नेताओं को भरा भगा दिया, वहाँ कोई आया ही नहीं, पूरी भारत किसान यूनियन थी, साधे भोले लोग, देवता बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है, बहुत गऊ लोग, गऊ अभी भगा रहे हो चुनाव के टाइम पे, वोट दे दोगे? चुनाव में तो इनका कहीं धंधा ही नहीं रहा, खिचड़ी भी नहीं मिलने की ना खाने को, भगवान कसम ऐसा समा रहा वालों को, हाँ इतना बुरा व्यापार इन लोगों ने किसान पर कर दिया। किसान यार 4 महीने के हिंदुस्तान का, यहाँ टीगरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, पूरे भारत में दुखी रहा, गांव गांव दुखी, और यहाँ के व्यापारी वर्ग इस जनता से वोट लेकर और वादे करके और मुकरे बैठे वहाँ सीटू पर, संसद में अपने घरों में छुप रहे, लिखड़ते नहीं चूहे की तरह छुप रहे, तो कितना बड़ा अत्याचार इन लोगों ने कर रखा है। अब तो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े मजे से वो बीजेपी वाले,
अरे उन पर पैसा धरिया, इतने चुनाव लड़ लेंगे जी, वो पैसा खत्म हो जाएगा, वो चुनाव भी खत्म, फिर जोड़े टहेंगे सारे मंत्री ऋषिकेश भीख मांगेंगे, पटड़ी बनाया करेंगे। वो पैसा खाली हो जाएगा, ऋषिकेश पटड़ी बनाया करेंगे अगले साल, क्योंकि इन्होंने हमारी रेल बंद करी, गंगा स्नान बंद करे, तीर्थ बंद करे, तो वो काम जब इन पर पैसा खत्म हो जाएगा चुनाव में, फिर ये ऋषिकेश जाएंगे मंदिरों में। हम फिर इब्दा पूरे भारत के मंदिर खाली पड़े हुए हैं, पूरे भारत के, कोई महात्मा साधु संत ही नहीं है, कहीं कहीं है कोई, मेरा एक महात्मा है वहाँ बहबलपुर में पड़ा रूड की दौर है, सच्चा महात्मा, उसका कोई सेवा नहीं करता, सच्चे महात्माओं की कोई कदर नहीं है। उस समय हम जितने भी हिंदुस्तान में मंदिर है, जब हम जीत जंगे, इन व्यापारी वर्ग को हाथ पकड़ पकड़ कर मंदिर में बैठाऊंगा, यहाँ बैठ दीवा बाड़ जो समय लावेंगे हम। पवन जी, गाजियाबाद में मंदिर है डासना में, एक वहाँ एक मुस्लिम बच्चा पानी पीने चला गया मंदिर में, उसकी पिटाई कर दी। गलती करी, पानी एक ऐसी चीज है, भूख ऐसी चीज है, चाहे वो बेचारा मुसलमान का था चाहे जीव था, जीव था वो, करना नहीं था ऐसा। लेकिन उन लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही आए, मुसलमान ना आए। किन्ने लगा दिया? मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दिया। वो गलत लगा दिया, उन्हें इंसान है, इंसान की औलाद हूँ, हिंदू बना ना मुसलमान बना, उसने बस इंसान बनाया। कौन लोग हैं ये? जो राज करना जानते हैं, गुड़ में भेली फोड़ना जान लोग करते हैं इस काम को, ये व्यापारी वर्ग जोन से आज राज कर रहे, वे कर रहे इस काम को। उत्तराखंड के भी 150 से ज्यादा मंदिरों के बाहर लगा दिए पोस्टर, मुसलमानों का आना वर्जित है। कुछ दिन में ये पोस्टर नहीं, ये खुद लगेंगे मंदिरों पर, नौकरी पर, झाड़ू बुहारी में। मेरा मंदिर खुद है, मैं अपना मंदिर बना रखा, खुद बना रखा, मेहनत करके जहाँ मेरा गुरु पड़ा रहता है। बीजेपी पूरी पार्टी है, वो मंदिर के नाम पे चुनाव जीत जाती है, और अब इस जनता को ज्ञान हो गया, अब चुनाव जीतने का कोई काम ही नहीं रहा, अब तो ज्ञान हो गया, अब कहाँ जीत जाएंगे, लेकिन अब तो बल्ले बल्ले भारी आ ली। भाई यार, ताली थोड़ी तो एक आध बार गड़गड़ाया दिया करो, थका गजब कर रहे यार। लेकिन वो तो चंदा मांग रहे हैं गांव का, एक तरफा प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, खाद मंत्री, एक तरफा भारत के स्वयं न्यूनमत सब मत सुन रखे, इन्हें सबको बैठाए तुम अंदर संसद भवन में। मैं इस देश का चौथा पैसा मंत्री बनूंगा चाहे रक्षा मंत्री, क्योंकि पैसे की मैं भूख में ज्यादा रहूं। हाँ, मुझे दुख है घोटाला ने, जिम्मत जिस तरीके का हूं मैं ऐसा ही तो बोल लूंगा, पैसा सब जनता को एक डब्बा बांट दूंगा, लो बा खाओ पियो ऐश करो। पैसा मंत्री तो बनने का कारण यो, रक्षा मंत्री बनने का कारण यो कि पूरा देश सुरक्षित सुख शांति से फर्स्ट क्लास, मतलब रक्षा मंत्री बढ़ गया। हाँ, ये दो मंत्रालय लूंगा मैं तो। अच्छा, अब सुरक्षित नहीं है देश, अब सुरक्षित नहीं है अब, क्योंकि रक्षा मंत्री मैं दूसरे देश में भी जा सकूं, कहीं जहाज वहाँ कोई गड़बड़ा करता है, मैं इसलिए रक्षा मंत्री का पद ले रहा। मोदी भी जाते हैं, मोदी चला गया तो उन्हें क्या कर दिया, किसान लग रहा फरार हो पूरे भारत का, क्या कर दिया मोदी ने। लेकिन लोग कहते हैं मोदी जी का डंका बजता है पूरी दुनिया में, वो कुआरे अपने दो चार चुनिंदा लोगों पे क्या सारा नो, इतना मैं बताया नहीं, इतना बच्चा वो कह रहा, फिर वो मंदिर में हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कहा करेगा। मोदी जी से क्या कहोगे इंग्लिश में? मोदी जी से मोदी कम्मा मोदी मोती, फिर तुए मोती मोदी को मोती, ये तो पिल्ले का अगर इंग्लिश में बात करनी पड़ी तो। हाँ, इंग्लिश में मोदी का मोती लिख दू मैं, मोती समस्या बताओगे कैसे, बताओ सवाल कैसे करोगे? समस्या मैं उस पर तो करवाता ही नहीं हल कुछ, मैं अपनी करूँ बच्चा। एक बार इंग्लिश बोल के, आपको इंग्लिश वाले किसान के नाम से जाना जाता है ना? अच्छा, इंग्लिश बोलने वाले किसान। हाँ, तो इंग्लिश बोल कर तो मैं काफी परेशान हो गया, बुखार तो मुझे चढ़ नहीं रहा। इस जनता के किसान की बात कहूं, दो चार अक्सर भूल ले उधर हो भी जा, कोई दिक्कत नहीं, तो बोल के बताओ। विद ड्योर रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सुप्रीम फ्रॉम प्यार फार्मर आजाद, चाहिए बुखार नहीं चाहिए किसान का। स्मृति रानी को मैं देखी नहीं कभी, क्या है कुकर है जब देखू बात करूँ जब, तो कंगना रनौत को तो जानते नहीं, किसी को जानता मैं। श्रीदेवी, श्रीदेवी की फिल्म देखी बहुत घनी, उसे जानू नगीना। हाँ, नगीना वो फिल्म देखी, उसका रोल भी हुआ बेचारी। धर्मेंद्र को जानते हो? धर्मेंद्र को भी जानू, इन्हें सबको देखू, फिल्म स्थान को तो सबको जानू। कोई नहीं आ रहा है आज, वो आया चाचा उठा सनी देओल। हाँ, सब देख रखी फिल्म इनकी,
अच्छा और मेरे तो बेटे क्या फिल्मिस्तान है ये, कब तक चलेगा आंदोलन? हाँ भाई ये जाएगा अक्टूबर तक, अक्टूबर तक फैसला होगा जाके, क्योंकि गेहूँ की फसल आ रही वो सब सुरक्षित करी जाएगी, खेत बार सब सुरक्षित करे जाएंगे, हम खुशी से जी रहे, सरकार इज्जत दुख में होगी, सरकार को पसीने चढ़ गए, सारी सरकार को बीजेपी को पसीना चढ़ गया, भगवान भी खुश होएगा, ये जनता का मेला भर चुका, इब हम इनसे कोई भीख नहीं मांगने के बिल्कुल भी कभी भी, मैं पहले भी बताया था आप लोगों को, ये किसान खुद राज करने को जा रहा है कुछ समय के बाद, 2 अक्टूबर तक यहाँ हमारा धरना चालू रहेगा, 2 अक्टूबर में जैसे वोट क्लब पे जैसे टिकेत साहब की रैली पहुँचती थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकेत की, ठीक उसी तरीके से वहाँ रैली पहुँचा के, और जब अपने स्तर से कमेटी बता रखी मैंने आपको, कमेटी उसी तरीके से पूरे भारत के किसानों को राज करना सौंपना होगा, ये हम करेंगे चुनाव लड़ोगे? चुनाव बेचुनाव के करेंगे, इसके गुलाम नहीं रहने के, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो। वो कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको जैसे बताया ऐसे, हाँ क्लियर लिख के दे दुआ। आप कहाँ इतने दिन से लोग? मैं 5 दिन के लिए वर्करी पे अमरोह में गया था, मैंने आपको एक दफा फोन भी किया, 2 मीडिया वाले भी पहुंचे थे, मैं कहा बाकी पार्टी कहाँ है? टिकेत साहब की पंचायत करवाई 1 लाख पब्लिक इकट्ठी 5 दिन के अंदर किया मैंने, सुबह निकलता था घर से शाम को घर पहुंचता था, पूरा क्षेत्र कवर करता है, रोज 50 किलोमीटर का एरिया राउंड लेता था गाड़ी से, 5 दिन के अंदर 1 लाख पब्लिक अमरोहा धनौरा तहसील शहजादपुर गांव में मोदी साहब ने पंचायत देखी कि हाँ भाई चौधरी टिकेत की पंचायत कौन हिंदुस्तानी ने सबसे बेस्ट करा दी। तो कोई असर पड़ रहा पंचायतों का? हाँ भारत माता पे भी असर पड़ रहा, देख परमात्मा खुश हो रहा, अपराधी जाएंगे, जनता जागरूक हो रही है, जनता जागरूक हो रही है, देख मेला कितना अच्छा मेला हो रहा, शिव जी का मेला बहुत अच्छा, पर सरकार तो नहीं मान रही है, सरकार को पसीना चढ़ता जाएगा, सरकार ठीक है बढ़िया है खुश है रहने का जो कर भी है, सरकार का पसीना चढ़ रहा है, व्यापारी वर्ग है ऐसे हमें डाउन करना होगा, व्यापारी ने छोड़ना होगा, इस किसान की बात को मानना होगा, मना कर रहे मानने को, मान गए मानो फिर हमें दूसरा धंधा भी आवे, जब सिद्धि अंगड़ी से घी नहीं निकलता टेड्डी भी करनी आवे, हम सबर में बैठे भी, हाँ भगत सिंह का जन्मदिन मनाया आज, ठीक उसी तरीके से सिद्धि अंगड़ी तक अगर घी नहीं निकलता तो टेड्डी भी हम करनी जानते हैं। पवन जी आज यहाँ तमाम लोग भगत सिंह बने घूम रहे वाके भी, सचमुच सब भारतीय किसान है भगत सिंह है, सचमुच भगत सिंह बने हुए हैं, विचारधारा है उनकी, इनसे बड़ा भगत सिंह तो कोई भी नहीं है, जो जनता है ये धरने पे बैठी, भारत का किसान 80% जनसंख्या देश के अंदर किसानों की है, अंदाता होता है ये, देश की रीढ़ की हड्डी होता है, कानून में बात लिखी हुई है, इनसे बड़ा भगत सिंह कौन है? कोई भी नहीं, वे तो व्यापारी वर्ग बैठ गए धोखे में आ गई थी, जनता वोट दे दी थी, इब हम सीमा पे बैठे, अगर वो ताकतवर है, अगर असली प्रधानमंत्री होता, असली हिंदुस्तान का भगत होता मोदी योगी अमित शाह, ये असली भक्त होते तो यहाँ किसानों के बीच मायण का नतमस्तक होते, उन्हें शर्म लिहाज भी नहीं। तो बंगाल जा रहे हैं ना वो? भाई बंगाल का किस्सा अरे वे माइडा था कहीं चले जाओ, हमने ना थूक दिया वे माइडा था कहीं अंडो नौकरी देने, अरे वे कौन नौकरी देने, तो खुद मांगते फिरे कुछ दिन के बाद भीख, वे तो खुद भीख मांगनी शुरू करेंगे कुछ दिन के बाद, देखते रहना आप भी, हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा मैं, अभी यह रहने दे पर कुछ दिन के बाद देखना। पवन जी अब क्या लग रहा है अंतरात्मा बताओ? यही कह रही है व्यापारी वर्ग से ये सादा भोला किसान, अन्नदाता जो किसान इस देश का है, और सचमुच 80% होता है ये गांव खेत खलियान 80%, और वो ज्ञान पूरे भारत की जनता को हो चुका, सच मान मेरी बात, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं ये भीख मांगेंगे कुछ दिन में ऋषिकेश जाके, वो तो गाड़ियों में घूर दिया भाई, कुछ दिन में जरूर मांगेंगे, गाड़ियों में घूमने का नंबर ही मारा है किसानों का, अरे घूमेंगे किसानों का नंबर आ लिया गाड़ियों में घूमने का, कैसे घूमेंगे बताओ तो सही, भाई समय बलवान जगत में क्यों खोटी बात बिचारी, क्या कहनी थी, इबके प्राण लिकट देंगे काली जो लात दूसरी मारी, मेरे यार समय का कारण है, तो समय के कारण भगत सिंह ने देश को आजाद करा था, अंग्रेज तो वही अंग्रेज ही आज बैठे हुए हैं अंदर सीट पे, अच्छा ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है बड़े, और ये भोला किसान भका लिया, इस पर वोट ले ली, 7 साल हो गए ना, कहीं राम राज्य है ना धाम राज्य है, कुछ भी नहीं, सब नाटक है।